एक से लेकर 5,000 तक। इसमें भी तार वाले हैं 6, 9, 12। ये भाई ऊपर जाके ये होगा कि नहीं होगा ये सब कुछ हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ जो बनता है वो खाली चावल चावल है और साबूदाना है, कांच है, कलर है, 4-5 आइटम डाल के सुबह 6 बजे से लगातार शुरू कर देते हैं। रात तक ऐसे रात तक 7 बजे तक बेचारा इधर उधर 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 करते हैं, लेकिन 2-3 हाथ लगाते हैं कच्ची पक्की रह जाती है। जो रेवी जो रह गई वो अपने ग्राहक की ग्राहक बेचा दे के चला जाता है, पता चला गया। फिर 13-14 को क्या होता है वो पता लगता नहीं है। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई उत्तरायण आ रही है नजदीक और आप लोगों की कमेंट्स कंटिन्यू, जब भी पतंग का वीडियो बनाओ भाई मांझा लेके आओ, भाई मांझा लेके आओ। तो इस बार आ चुके हैं हम रायपुर मार्केट में और यहाँ पे दिखाने वाले बहुत सारे मांझे। आप जैसे देख रहे हो ऊपर हर जगह फिरकिया ही फिरकिया है। तो चलिए भैया से मिलते हैं, बात करते हैं और इस बार कौन सी चीज नई आई है और साथ में क्या क्या जरूरी जानने की चीजें हैं। कहीं पे भी आप डोर बनवाते हो, कहीं पे भी मंजवाते हो, कहीं से भी मांझा ले लेते हो, ऐसा नहीं होता है। तो परफेक्ट क्या चीज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए वो हम आपको दिखाते जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हो ताकि नेक्स्ट वीडियो हम कहाँ से बनाए वो हमें पता चलता जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते अंकल। यस सर। क्या नाम है आपका? देवांग चौकसी। देवांग भाई, तो देवांग भाई क्या क्या ट्रेंड है इस बार मार्केट में पतंग के लिए, मांझे के लिए, बताइए जरा। देखो पतंग के लिए और पहले मांझे के लिए, अरे मांझे के लिए बता रहा हूँ। मांझे के लिए वर्धमान साकड़ाट वर्धमान और HP की डोरी अभी इस साल बाजार में आ गई है। अच्छा। वैसे डोरी तो कोई भी मिल बनाती है, लेकिन पतंग की जो डोर है वो डोरी का सबसे जो झुकाव है वो चढ़ाने वाले पे रहता है, क्योंकि इसमें जो कोई उल्टी गलत दिशा में खींच के पतंग कापे काटे तो उनका काइट कट जाता है। बराबर। ये पतंग का जो पतंग की जो सीजन है ना उसका माहौल कैसा है वो साइंस पे चलती है। जिस बाजू पे हवा है उस बाजू पे मुड़नी चाहिए और वैसा पतंग जो आपको चाहिए तो वो पतंग जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, रामपुर वाला कारीगर लोग बनाते हैं। इसको बैलेंसिंग काइट बोला जाता है। बैलेंसिंग काइट यानी पूरी कमान डंडा जी की सफाई पूरे पूरी की जाती है। हाँ। और उन लोगों 1,000 कमानों में से 700 कमाने उसमें लगती है, 300 कमान फेंक देते हैं जो अनयूज होती है। क्या बात है। यस सर, दिस इज द स्टैंड ऑफ काइट्स। और ये जो पतंग जो बन रही है आउट स्टेशनों की वो 16 कारीगरों के हाथ में से बन के बाहर निकलती है। क्या बात है। फिर उस पतंग को तुम कोई भी जगह पे यूं मुचड़ो या दबाओ या उसको कुछ भी प्रेस करो तो उसको कुछ नहीं होता है, उसको कुछ नहीं होता है। ऐसा टाइट कागज होता है, टाइट डोरी होती है उसकी, उसकी बीच में बीच वाली जो है पतंग करनी वाली वो खिसकती नहीं है। और ये जो पतंग है अड़तिया साढ़ी 27 मजोला अड़तिया पौनिया वो जो पतंग आकाश में एक बार चली गई तो कोई की ताकत नहीं है तो तुम्हारी पतंग कटे। क्या बात है। यस, दिस इज द ट्रेंड ऑफ दिस काइट। तो अहमदाबाद में इस बार आप क्या लाए हो नया? अहमदाबाद में वैसे के कितनी सालों से यहाँ अहमदाबाद में जो पतंग बन रही है यानी बहरामपुरा है, जमालपुर है, ये कालोपुर है, ये नारोल है, वटवा है, यस हर जगह पे गरीब जहाँ लोग रहते हैं मोमेडन लोग वहाँ अहमदाबाद की पतंग बिक रही है, ज़्यादातर में बिक रही है क्योंकि वो रेटों में सस्ती रहती है। और ये जो जोधपुर ने ये जो आजू बाजू बाहर से जो काइट आ रही है बन के वो काइटे इसीलिए महंगी है कि उनकी मजूरी महंगी है और यहाँ मजूरी में या मजूरी सस्ती है और जो कमान डंडा और उसकी जो कमाने जो है वो FSZ यूज हो रही है। अच्छा। दैट मीन्स के कोई पतंग बनाने वाला कोई है
और दूसरे निचले कारीगर वाले को पतंग बना के बनाने के लिए देते हैं, तो वो क्या करते हैं, कमांडेंटा और ये जो है वो गिन के देते हैं, तो बेचारे को जो बनाने वाला जो है उनको पूरा वापस देना पड़ता है। पूरा वापस, ये पूरा वापसी के मुताबिक वो लोग जैसे के तैसे पतंग बना के बना देते, क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है। सही है, दिस इज दी ट्रेंड ऑफ अहमदाबाद काइट्स। परफेक्ट परफेक्ट। और दूसरा, अहमदाबाद में जो डोरी बनाने वाला जो आता है लखनऊ बरेली यूपी से जो कारीगर लोग आते हैं, पर लेकिन यहाँ जो डोरी घिसाती है मांझा, वो मांझा में बरेली की डोर और जो डोगले में जो बनती है उसके तारीखों में वो डोर आती नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बनता है वो खाली चावल चावल है और साबूदाना है, कांच है, कलर है, चार पांच आइटम डाल के सुबह 6 बजे से लगातार शुरू कर देते हैं, रात तक 7 बजे तक बेचारा इधर उधर 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 करते हैं, लेकिन 2-3 हाथ लगाते हैं कच्ची पक्की रह जाती है, जो रेवी जो रह गई वो अपने ग्राहक की ग्राहक बेचा दे के चला जाता है, फिर 13-14 को क्या होता है वो पता लगता नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। yes. अच्छा, तो चलिए थोड़ा मांझा वगैरह देख लेते हैं इस बार भी क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या रेंज है। मांझा के अंदर इस साल जो नई आई है जो क्वालिटी है वो है, एक तो अग्नि और वर्धमान कंपनी वाला ने वो बनाई है मसाल डोरी। अच्छा, मसाल नाम से इसमें 5000 वर की डोरे, 2500 वर की डोरे, और दूसरा है मधुरा कोर्ट्स ने जो बनाई है वो भी अच्छी डोरे बनाई है उसने, और इस साल उन लोगों ने रेट के मुताबिक के अंदर कुछ 4-5 क्वालिटी और जो रेट्स है उसका थोड़ा दूसरी कंपनी से कम कर दिया है। अच्छा, बिकॉज ऑफ सेल इंक्रीज ऑफ सेल, राइट, दिस इज द ट्रेंड। सही है। तो कितने से स्टार्ट होती है और कहाँ तक अपनी रेंज है? हाँ, ये डोर जो है सबसे पहले तो 250 वार की आती है, इसके बाद 300 वार की आती है, फिर 400 वार की आती है, फिर 1000 वार की आती है, 900 मीटर की आती है, 800 मीटर की आती है, 1800 मीटर की आती है, 2500 मीटर की आती है, 2000 मीटर की आती है, 4000 मीटर की आती है, और 5000 मीटर की आती है, और 7.5 वाली पहले आती थी, अभी इस साल आई नहीं है, क्योंकि वेरी कॉस्ट ऑफ थ्रेड्स, हाई रेट्स ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, चले थोड़ा मांझा देख लेते हैं एक बार, और अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि कौन से मांझे आए हुए और क्या क्या प्राइस चल रहा है। यस सर। चलिए, तो कौन सा है इस बार? साकल 6 तार 2500 वार है। 6 तार 2500 वार। 2500 वार रेट जो है ये 280 रुपया है। 280 रुपये। अच्छा, ये बिना मांझा हुआ है? हाँ, बिल्कुल फ्रेश एकदम कॉटन। ओके, प्योर कॉटन, अनग्लेज़्ड कॉटन। तो ये कच्चा मांझा आप बोल सकते हैं, इसको आपको मंजवाना पड़ेगा। हाँ, ये उसमें पाँच हजार वार उसकी प्राइस है 540 540 रुपए में। ओके, ये हो गया साकड़। ये सब जो प्रोडक्ट है ना, दिस वन इज ऑल आर साकड़ वाला। अच्छा, ये सारे साकड़ वाले हैं? साकड़ वाले हैं। 1 2 इसमें कलर के हिसाब से कुछ अलग-अलग होता है। ये जो रेड है वो 6 कोड की होती है। हां, ब्लू है वो 9 कोड की होती है। अच्छा, तो ये मतलब एक मांझे के अंदर इतने तार होते हैं? तार होते हैं। ओके, और जो ब्लू है, ब्लू आएगी वो 12 कोड की होती है। 12 कोड की। ओए, तो भाई ये देखो, ये 6 कोड मतलब एक धागे में से कितने अंदर धागे होते हैं वो बता रहे हैं। हाँ, ये 9 कोड वाला है। 1+8 1+8 एंड 1+11 ओ, ये 12 कोड की मतलब एक में से 12 निकलेंगे। ये देखो, 12 तार निकलेंगे एक तार में से। ये जो सबसे ज्यादा तार वाला जो डोरा है वो बड़ी पतंगों में यूज हो रहे हैं। बड़ी पतंगों में यूज होता है, तो टूटेगा नहीं। वो शाम को
इसका ट्रेन शुरू होता है शाम को 6 बजे बाद 5 बजे बाद। उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि पहले सुबह सुबह में छोटे पतंग चढ़ाते हैं, क्योंकि सुबह में हवा ज्यादा होती है, हवा ज्यादा होने से हाथ कट जाते हैं, वो बीक वो कट जाने की बीक के हिसाब से वो लोग बड़े पतंग शाम को चढ़ाते हैं, हवा थोड़ी कम रहती है, वरना साथ में खींचा जाता है पूरा दूरा। अच्छा, काफी कुछ चीजें जानने को मिल रही है हमें आज यहाँ पे। उसके अलावा अच्छा, ये तो ये बगैर मांझे हुए हैं, अपने मांझे हुए भी बेचते हैं? मांझे हुए भी रेट देते हैं। इस साल हमने अन्नपूर्णा हमारी खुद की बनाई है, 9 कोड 6 कोड 12 कोड, वही सब धागे हमने बनाए हैं। अच्छा, और लास्ट ईयर थोड़ी सैंपल बनाया था, उसका रिस्पॉन्स इट वॉज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, और वो इस साल हम देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है, ज्यादा मिलता है कि क्या होता है। अच्छा, तो भाई ये है इनका खुद का, मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा ट्रेडर्स लिखा हुआ है, अन्नपूर्णा स्पेशल मांझो, 6 तार 9 तार 12 तार नकल मालती सावधान। और जो आप एड्रेस देख रहे हैं यहीं पर अभी हम आए हुए हैं, 2797 पिपरडीनी पूर्णा ना के रायपुर दरवाजा ने अंदर रायपुर। तो देखो भाई ये कितना तार बताया? 9 तार है। क्या प्राइस में रहता है ये आएगा? 200 होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस 200 रुपए से, और रिटेल प्राइस उसकी 250 रुपया है। रिटेल 250। तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी ले जानी पड़ेगी अगर किसी को चाहिए? एक भी ले जाते हैं, कोई जिसकी जैसी ताकत, जिसकी खरीद सकती ज्यादा। नहीं, होलसेल में मिनिमम क्वांटिटी है कुछ की? 12 नंग। अच्छा, एक डजन ले जाना पड़ेगा तो आपको 200 रुपए के प्राइस में मिलेगा, राइट? यस सर। इसके अलावा खाली चरखी भी रखते हैं। खाली चरखी स्टील में है, एक्रेलिक में है, फाइबर में है, प्लास्टिक में है, लकड़े में है। क्या बात है। यस सर, खाली चरखी 1000 2000 3000 5000 तक रहती है। अच्छा। हमारे पास खुजोरी लपेटने की मशीन भी है, जिससे क्या होता है कि आप चरखी लगा दो, ऑटोमेटिक वहां से अंदर से निकलेगी, फिर वो तुम्हारा काइट अगर कट जाता है तो उसका रिवर्स आटा घुमा दो तो डोरी वापस आ जाएगी। तो वो हाथ नहीं आपका वो खींचना नहीं पड़ता है, दुखता नहीं है। देखो बहुत बारीकी से कामकाज किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये इस बार शिवम मांझा 1000 बार 1000 2000 2500 और 5000। अच्छा, 1 से लेकर 5000 तक। इसमें भी तार वाले हैं 6 9 12 कोड। तो ये क्या प्राइस में रहता है? 400 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, 400 ही है। तो ये होलसेल प्राइस ओरिजिनल धागा जो आपको चाहिए तो हमारे पास ओरिजिनल टेल धागे कच्चा थ्रेड मिलेगा, कच्चा यानी ये डोरी सही मिलेगी, जो हम बोलेंगे वही रहेगी। अच्छा, तीसरी बात के जो हमारी डोर बनी हुई है, जो हम लोग जो बेचते हैं उसमें गारंटी पक्की देंगे कि भाई ऊपर जाके ये होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ हम बता देते हैं कस्टमर को। क्या बात है। तो ये जो अन्नपूर्णा वाला आपने खुद का जो निकाला है उसके बारे में आप बता रहे हैं? वो तो 10 पेज काटती है ऐसे ही। क्या बात है। तो ये हो गया ये शिवम का। इसके अलावा है ये योद्धा अजय मांझो मेड फ्रॉम 3 पैक। अच्छा, 9 तार है, दार पतंग मांझो, पिंक कलर का निकलेगा अंदर से, पिंक है, व्हाइट है, ब्लैक है, सब कुछ कलर निकलेगा। अच्छा, ये 549 का है, 549। वो वी आर गिविंग समथिंग डिस्काउंट इन दिस ये टीम केस। अच्छा, एट द टाइम ऑफ परचेस, राइट? क्या बात है। तो भाई आप जैसे और कुछ है और बच्चे के लिए? वैसे हमने ये पैक बनाया है, एक इसमें एक छोटी सी चरखी है, मास्क है, वो पैक है, और वो एक त्रिपुरा है, बिगल है। देखो भाई, ज्यादा क्वांटिटी में अगर बेचना है तो लोगों से तो आपको सस्ता बेचना ही पड़ेगा, एकदम परफेक्ट। दुकानदारी सही करना है तो व्याजबी लेना पड़ेगा, 100% वरना पड़ा रहेगा माल तो वो भी नहीं आएगा, बेसिक प्राइस भी नहीं आएगी। और देखो ये छोटी प्राइस जो छोटी जो पतंगे हैं, ये
छोटे बच्चे बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा पूरा साल बनाते हैं और हमको फ्री टाइम में वो लोग बनाते हैं और हमको यहाँ दे जाते हैं। क्या बात है, डोर डिलीवरी। देखो भाई, तो ये सारी जो पतंगे आप देख रहे हो छोटी छोटी, ये छोटी छोटी इसीलिए क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों ने बनाई हुई है। ये जो पतंग जो है वो कॉर्पोरेट कंपनी वाला यूज करता है, कॉर्पोरेट कंपनी, होटल्स, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, और NRI कस्टमर भी ज्यादा लोग, ज्यादा लोग ले जाता है। अच्छा, और बच्चों को वो स्कूल में जो यूज करने के लिए बोलते हैं तो वो उसकी जो बुक्स है, किताब, उसमें भी वो लोग चिपकाने का बोलते हैं स्कूल में से। ये है एक छोटी चरखी, राजू नानी चरखी। और कई लोग पहले क्या करते हैं, लोग पहले भगवान के लिए खरीदते हैं ऐसा छोटा पतंग, पहले मंदिर में रखते हैं फिर बाद में वो लोग त्योहार करते हैं, फिर कुछ ऐसा भी ट्रेंड है। कई घरों में ऐसा होता है कि पहले भगवान की गाइड लेने की, बाद में अपनी खुद की गाइड। क्या ये देखो, ये छोटी छोटी चरखियाँ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये भगवान को भी चढ़ाया जाता है और डेकोरेशन के लिए भी ये यूज होता है। देखो क्या बात है, हैप्पी न्यू ईयर वाला है इस बार नया वाला। ये योद्धा, ये अच्छा भाई देखो, ये योद्धा गोल्ड है। ये इस बार नया आया कि है ना, लास्ट ईयर भी थी। हाँ, और इसका, लेकिन इसका जो मांडे की सफाई जो होती है ना, उसकी अच्छी होती है। अच्छा, और बिल्कुल तुमको दूरी देखो तो क्लेरिटी ऐसी होती है कि जैसे सफाई दार होती है। देखो भाई, ये 9 तार है। ये क्या प्राइस में है? ये साढ़े 400। साढ़े 400। अच्छा, तो ये 450 का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे योद्धा ब्लैक एंड व्हाइट भी है, योद्धा गोल्ड। ये योद्धा ब्लैक एंड व्हाइट सबसे महंगी होती है। हाँ, सबसे महंगी होती है। और इसके 6 तार सबसे सस्ती होती है, 9 तार में उससे थोड़ी महंगी, और 12 तार उससे महंगी, और ये गोल्ड सबसे महंगी। अच्छा, गोल्ड वाली सबसे महंगी, ब्लैक एंड व्हाइट सबसे महंगी। अच्छा, तो इसका क्या प्राइस है? 980 रुपये। 5,000 बार 980 रुपये। अच्छा, ये मतलब धारदार पतंग मांजो। देखो भाई, ये है योद्धा ब्लैक एंड व्हाइट और ये है योद्धा गोल्ड, ये सबसे महंगी वाली है। अच्छा, तो एक बार शॉप का टाइमिंग बता दीजिए ना एक बार। सुबह में 8:30 सुबह 8:30 बजे से रात को 10 बजे तक। ओके, और एड्रेस तो हमने आप ऑलरेडी बता दिया, एक बार बाहर से दिखा देते हैं एड्रेस क्या रहता है। तो ये था हमारा मांजे का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा। अगर ये चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर है, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो, नई नई जगह के पतंगे और फिर क्या हम आपके लिए लेते आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ताकि हम उसके हिसाब से आपको जैसे अच्छा लगे, आपको जैसे मज़ा आए, वैसे वीडियो हम लेके आए। तो बस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर अभी आपने फॉलो नहीं किया हो तो हमारे ID पे फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय।